नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम एक घर आए हैं और हमारा ये समोसे का और करंजी का ये मशीन है। और दोस्तों ये मशीन चल नहीं रहा है, अभी मैं लगा रहा हूँ बोर्ड में। अब देखिए खाली गू गू करेगा ये, लेकिन चालू होता नहीं है, तो इसलिए हम खोल के लेके जाने वाले हैं। दोस्तों हमारा मशीन केवल खाली गू गू करता है मोटर, ये तो उसको खोल के हम लेके जाएंगे और इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा अपने को। इसमें क्या हुआ है देखेंगे, और ये तो दुकान पर ले जाना मालूम पड़ेगा इसमें क्या हुआ है, तो इसके लिए हम खोल लेते हैं। साथ में दोस्तों देखिए, इसका चेन वगैरह ढीला है, वो सब भी करने वाला अपने को करना पड़ेगा, जो भी है सब करेंगे। दोस्तों आपने देखा था कि हमने मोटर चालू किया, खाली गूँ कर रहा था वो, तो ये मोटर मैं अभी दुकान पर लाया खोल के, क्योंकि वहाँ पर कहाँ चेक करेंगे, तो उसको दुकान पर लेके आया। मैं चेक करके दिखाता हूँ मैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भी हुआ अपने रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए लगा रहा हूँ मैं, दोस्तों देखिए लगा रहा हूँ मैं, दोस्तों देखिए कभी स्टार्ट हो रहा है, अभी निकाल दिए हैं, अभी फिर रुकने दिए पूरा, फिर लगाएंगे, कभी खाली गूं करेगा, इसमें ही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मुझे बुलाया और खोल देखो भी क्या हुआ है। दोस्तों देखिए इसमें जो हमारा क्लच है लगता है बराबर काम नहीं कर रहा है वो, तो उसे खोल के चेक करें, इसमें जो भी हुआ रिपेयरिंग करेंगे। उसके लिए हमारा जो कवर है इसे खोल लेता हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी जंग लगा हुआ है, इसे खोल के फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए हमने ये कवर खोल दिया है, और साथ में ये वाला नया इसमें जॉइंट था, तो उन्होंने कहा डाला नया, तो उन्होंने बाहर भी कटिंग कर दिया है। अब आपको दिखाता हूँ चला चेक करके इसमें क्या हुआ है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो बार दिख रहे हैं ये मोटे वाले, हमारा रनिंग है स्टार्टिंग दो में एक कोई रहेगा, क्योंकि आप पता नहीं मेरे को कौन सा क्या है। और ये दो दिख रहे हैं लाल, ये दो रनिंग होंगे या स्टार्टिंग होंगे, और बाकी बचे एक बार ये ब्लू और एक पतला वाला दिख रहा लाल। अब ये दोनों होते थे क्लच के कंडेंसर के, तो उसके कंडेंसर यहाँ पे है, तो जो हमारा कंडेंसर और क्लच अंदर जुड़े हुए हैं, इसे टोटल यहाँ पर 6 बार बाहर आए हैं। अगर कैपेसिटर बाहर होता तो 2, 2, 4, 2, 6, 8 बार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल 6 बार है, इसका मतलब है हमारा क्लच और कैपेसिटर अंदर जुड़ा हुआ है। अब उस चेक करके दिखाता हूँ मैं इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। अब दोस्तों देखिए मैं चेक किया, देखिए आप देख पा रहे हैं हमारा बल्ब जल रहा है, जल आपको दिख रहा होगा, हमारा ब्लैक बता रहा है, रेड बता रहा है। अब इसको देखिए चेक करा हुआ, ये देखिए ये नहीं बता रहा है। जो मोटर हमारा कभी स्टार्ट होता है कभी नहीं होता है, उसका मेन कारण ये है कि हमारा क्लच जो है या तो पकड़ नहीं रहा है या फिर क्लच जल गया है, कोई तो समस्या है इसके अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों इसमें काफ़ी जंग लगा हुआ है और घास कलम कलर मारे थे, तो खोलने में काफ़ी दिक्कत है, मैं आपको खोल के फिर दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए हमने खोल दिया है, लेकिन दोस्तों जिसके अंदर कैपेसिटर और क्लच अंदर लगा हो उससे खींचते समय आराम से खींचे, क्योंकि वायर हमारा वाइंडिंग से जुड़ा रहता है। इस कवर निकालेंगे, आराम से निकालना है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए तो वायर हमेशा वाइंडिंग के ऊपर जुड़ा रहता है, ये कहीं जोर से खींचेंगे तब का ये टूट भी सकता है ये, तो इसके लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों देखिए वायर हमारा जुड़ा हुआ है इसके अंदर, लेकिन दोस्तों देखिए इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, इसमें मुझे लगता है हमारा जो क्लच है इसके अंदर पकड़ लिया है कार्बन, क्योंकि मोटर बहुत दिन से बंद था, ये इन्होंने मशीन बहुत दिन से यूज़ नहीं किया था, तो इस वजह से इसमें क्या हुआ है हमारा जो ये पॉइंट है इसका क्लच का, इसे पकड़ लिया है कार्बन। एक बार इसे खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। दस हमारा क्लच ओके है, क्लच में कुछ हुआ नहीं है। दोस्तों देखिए अभी हमारा क्लच एकदम अच्छा है, इसमें हल्का सा कार्बन आया हुआ है, तो इसमें मारेंगे पॉलिश पेपर, लेकिन जो पॉलिश पेपर यूज़ करेंगे आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे एकदम घिसा पिटा पॉलिश पेपर है ये, इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है, एकदम समझिए कि मरड़ा हुआ पॉलिश पेपर है। और फिर आप इसको ऐसा रखें और बीच में एक बार ऊपर एक बार नीचे मार दे अच्छे से एकदम। दोस्तों अगर पॉइंट आपका ख़राब हो तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये हमारा पॉइंट सही है इसलिए मार रहा हूँ पॉलिसी पर, नहीं तो आप ख़राब वाले कोई पॉलिसी मारने लगे कुछ फ़ायदा होगा नहीं फिर, क्योंकि क्या है सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोटर खोलने का लेके आने का फिर जाके लगाने का
ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ऐसे काम को दोस्तों सफा हो गया है। दोस्तों फिर सब पेपर लेना है, साफ सुथरा पेपर हो, इसमें डाल दें और ये पॉइंट भी ज़्यादा दबाएँ ताकि पॉइंट आपको चिपक जाए। और फिर आपको इसको भी आराम से ऐसा अंदाबाहर करना है। अब दोस्तों इसको अंदाबाहर करने मतलब ये है कि जब आपने मारा है पॉलिश पेपर उस पर धूल मट्टी डस्ट होगा तो इसको साफ कर देगा ये। तो इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्लच बराबर नहीं पकड़ा था कम पकड़ा था, तो क्या करें अभी आपको यहाँ पर एक एक वाइसर लगा देना है। इससे क्या होगा हमारा क्लच जरा सा ऊपर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए मैं इस तरह का वाशर यूज़ करने वाला हूँ। एक वाशर आपको वाशर जो लगाएंगे आपका जो थिकनेस है दोनों का सेम होना चाहिए, एक पतला एक मोटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये पकड़ रहा था क्लच लेकिन कम पकड़ रहा था, कभी पकड़ कभी नहीं पकड़ा था। तो इसके लिए वाशर ज़्यादा लगाना नहीं है कि ज़्यादा लगा देंगे आप तो क्लच छोड़ेगा नहीं। तो इसके लिए वाशर आपको एकदम कम लगाना है। जब बिल्कुल नहीं पकड़ता है मोटर बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होता है तो ऐसा कर सकते आप, लेकिन ये मोटर वो स्टार्ट हो रहा था कभी, इसका मतलब है कि वो कारण पकड़ा था और हल्का सा गैप था कम था, तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं आप। दोस्तों देखिए कभी कभी क्या होता है अगर आपको वाशर डाला आपने एक बार डाला दो वाशर डाला उसके बाद नहीं पकड़ता है तो इस पट्टी को हल्का सा ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए पट्टी ऊपर निकाल रहा हूँ। और दोस्तों इसका जो कनेक्शन है आपको एक बार दिखा दूँ मैं, पहले इसको लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने रोटर बाहर निकाल लिया है। रोटर बाहर निकालने का कारण ये है कि सिर्फ आप लोगों को समझाना था ताकि आप अच्छा समझा पाऊँ दोस्तों, लेकिन इसमें जो वायर लगा हुआ है हमारा बहुत छोटा ही है तो इसको आराम से करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए क्या करें अगर आप क्लच सेटिंग करना हो आपको मालूम नहीं बिल्कुल आनी है तो पहले क्या करें आप इसको बाहर ही सेट कर लें, पहले इस कॉर्ड को उठा लें। दोस्तों देखिए हमने अभी ये कवर फिक्स कर लिया है। अभी दोस्तों अगर हमारा पॉइंट आपस में मिलेगा तो हम वायर लगाएंगे अपने, देखिए इन दो वायर पे यानी क्लच का है और एक स्टार्टिंग का है, यहाँ पे लगाते ही हमारा बल्ब जलना चाहिए। अगर हमारा बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा क्लच सेटिंग बराबर हो चुका है। दोस्तों देखिए हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। अभी एक बात और ध्यान देना आपको, कभी कभी क्या होता है आपने ज़्यादा वाशर लगा दिया तो क्लच ऑन तो हो जाएगा और ऑफ नहीं होगा। अब तो साथ में आपको दोस्तों ये ध्यान देना है कि बाहर खुला ही है आपको करना ना सोता ही है, तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना आपको। अभी आपको हमारा जो गवर्नर है इसको हल्का सा पुश करके देखें कि क्लच छोटा कि नहीं छोटा है। दोस्तों देखिए हमारा हल्का सा ही पुश हुआ तो हमारा क्लच छोटा है, क्योंकि हमारा मोटर ऑन होते ही ये हमारा गवर्नर ज़्यादा पीछे साइड में और उससे क्या होता है देखिए ये हमारा गवर्नर है, ये क्लच ऑन होते ही जैसे हमारा मोटर चल रहा मोटर चल गया स्टार्ट हो गया मोटर, ये मोटर स्टार्ट होते ही हमारा गवर्नर चल गया पीछे तो क्या होता है हमारा क्लच अपने आप छूट जाता है और हमारा मोटर फिर स्टार्ट होके रनिंग अलग हो जाता है, स्टार्टिंग अलग हो जाता है, फिर से कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा तो फिर सेटिंग हो चुका है। ये देखिए हल्का सा पुश करता हूँ मैं, ये देखिए हल्का सा पुश किया जरा सा तो हमारा क्लच बराबर काम कर रहा है। ये अब दोस्तों तो आराम से बाहर निकाल देना है। हाँ दोस्तों देखिए हमने इसकी फिटिंग भी कर दी है, क्योंकि हमें समझाया था पहले से ही। अब दोस्तों देखिए हमारा जो कनेक्शन है कनेक्शन ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ब्लैक वाला दिख रहा है काला वाला वायर, ये हमारा काला वायर जो है ये रनिंग है और जो लाल वायर दिख रहा है वो ये स्टार्टिंग है। और इसमें एक क्लच का है और एक कैपेसिटर का है। ये हमारा दो बता रहा आपस में, ये दो नहीं बताएगा और ये दो अलग बताना चाहिए, हाँ रनिंग बताना चाहिए, ये स्टार्टिंग बताना चाहिए और ये क्लच और कनेक्शन बता रहा है। अभी अब कनेक्शन करने का है तो कनेक्शन कैसे करेंगे आप, कनेक्शन करने के लिए एक रनिंग और एक स्टार्टिंग आपस में जोड़ देना है। सबसे पहला फिर आपको एक रनिंग और कंडेंसर अपन जोड़ देना है। जो हमारा कैपेसिटर दोस्तों है ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर नहीं है।
और फिर ये बच्चे हमारा ये एक क्लच का है और एक स्टार्टिंग का है। अब दोस्तों देखिए अपने को मोटर चलाने का है दोनों रनिंग वाले से, एक बार फिर से कनेक्शन आपको, ये हमारा दो रनिंग वायर दो स्टार्टिंग वायर और एक क्लच का है एक कंडेंसर का है। अभी हमने एक रनिंग और एक स्टार्टिंग जोड़ दिया, ये हमारा बन गया कॉमन। फिर हमारा एक रनिंग और एक कैपेसिटर का वायर, स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर और रनिंग का वायर अपन जोड़ दिया है, और फिर हमारा एक क्लच का और एक स्टार्टिंग का वायर जोड़ दिया है। अभी आपको दिखाता हूँ चला के, जो पहले बॉडी सर्च कर लेना आपको, और दोस्तों से बॉडी आ रहा है, बॉडी वाला काम बड़ा खतरनाक है, आपको बॉडी चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे बॉडी आने कई कारण हो सकते हैं कि आपका जो हम डालते हैं बोल्ट उससे बॉडी आ सकता है। ठीक है, इसमें बॉडी नहीं आ रहा था, और फिटिंग करने के बाद आ रहा है, तो इसमें ज़्यादातर हमारा जो बोल्ट होता है उसकी वजह से आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड खोल के चेक करें कि आपका बॉडी कहाँ से आ रहा है। हाँ दोस्तों देखिए, इसमें बॉडी आ रहा था तो हमने क्या किया, खोल के और जो हमारा बोल्ट है बोल्ट के तो डाल दिया स्लीव, ये वाला स्लीव लिया इसमें डाल दिया, मतलब चार कटिंग किया, इस तरफ यहाँ इतने मार डाला, इस तरफ भी इतने मार डाला, आठ में डाल दिया, मतलब चार में आठ लग गया, एक में इधर एक दो, सब में आठ लग गए और बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। दोस्तों कभी अगर बॉडी शॉट आ रहा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, दोस्तों खैर जूने वाइंडिंग में ऐसा करना पड़ेगा, नया वाइंडिंग है तो क्या होता है अब उसको सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जूने वाइंडिंग क्या होता है एक बार वाइंडिंग सूख गया उसके बाद खराब होता है वाइंडिंग काफ़ी, उसको दबाएंगे तो वाइंडिंग खराब हो सकता है, तो इतना दबाएँ अगर बॉडी आता हो आपके स्टेट के थ्रू तब हमें लगा दें स्लीव, तो उससे क्या होगा आपका बॉडी शॉट नहीं आ रहा है, हमारा बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। अब मैं आपको दिखा चला दिखाता हूँ, दोस्तों कभी भी मोटर बनाएंगे तो बॉडी शॉट चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मशीन है ये फुल लोखंड बॉडी है, टोटल लोखंड की बॉडी है, इसमें अगर करंट आएगा तो बहुत खतरा हो सकता है, तो इसके लिए बॉडी शॉट चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको बॉडी शॉट चेक करना नहीं बोलना है, अब दोस्तों लगा रहा मैंने, चलो अब दोस्तों देखिए लगा रहा मैंने, हमारा मोटर चला फंस का और हमारा क्लच छोड़ भी रहा है, अब लगा दोस्तों मोटर को बार बार रुका के कि चालू करें, अगर आपका क्लच सही नहीं पकड़ता होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, गूं करेगा वो तो समझ जाए क्लच नहीं पकड़ता। और एक बात, कभी आपने मोटर चालू कर दिया स्टार्ट हो गया तो मोटर से हिल रहा है धड़ाधड़ा कर रहा है, समझिए क्लच छोड़ नहीं रहा है, वो मोटर स्मूथ चल रहा है एकदम और स्टार्ट तुरंत हो जा रहा है, तब क्लच का सेटिंग बराबर है। एक बार फिर दोस्तों देखिए हमारा मोटर हो गया बिल्कुल, अभी और इसको हम ले जाएंगे और मशीन फिटिंग करेंगे। दोस्तों हमारा पूरा मशीन रेडी हो चुका है, देख पा रहे हैं हम लोगों ने सब कुछ रेडी कर दिया, हम लगाते हैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए हमारा मशीन पूरा रेडी है, अभी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, आप चलने में कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह से कोई मोटर ख़राब हो गया हो और क्लच काम ना कर रहा हो तो इस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक